जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके समधी के घर से लगभग 1100-1200 शराब के बोतल जो है बरामद किए गए। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। वैसे तो बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन यह बात भी सरेआम है कि शराबबंदी को विफल करने के प्रयास चलते रहते हैं। शराब की खेप पकड़ी जाती है, शराब पीने वाले भी पकड़े जाते हैं, शराब के तस्कर भी पकड़े जाते हैं, तो कई बार शराब की खाली बोतलें भी मिलती हैं, यानी शराब आई और पी गई, कोई पकड़ा नहीं गया। लेकिन इस मामले में बिहार सरकार का कहना है कि ये भाजपा की साजिश है। सीएम नीतीश कुमार साफ कह रहे हैं कि जो दारू पिएगा मरेगा, सरकार की कोई सहानुभूति उन लोगों के प्रति नहीं है। तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में शराब के लिए भाजपा को जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों से बिहार में शराब की खेप पहुंच रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी विफल करने की साजिश की जा रही है। इसी बीच शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में शराब की सप्लाई बीजेपी शासित राज्यों से हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि ज्यादातर सप्लाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हो रही है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। नेता प्रतिपक्ष के समधी के घर से लगभग 108 कार्टन शराब बरामद हुई है। बिहार का अगर बच्चा कोई दूसरे राज्य में पढ़ता है या कोई बॉम्बे वम्बे तो बोलता है ना कि भाई ड्रग्स ड्रग्स मत लेना, बहुत बिगाड़ने वाला लोग रहेगा। तो खुद को भी आकलन करना है ना, लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार, वो लोग तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। अब ऐसा देखिए ऐसा खबर आया है, अभी तो हमको तो सदन में ही पता चला है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके समधी के घर से लगभग 108 कार्टून दारू के बोतल, यानी लगभग 1100-1200 शराब के बोतल जो है बरामद किए गए। अगर ऐसी खबर आ रही है सर, इधर सर, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सत्यता की जो है जांच होनी चाहिए। ऐसी खबर आ रही तो उसके सच क्या है? अगर वाकई में सच में पकड़ाया है, गंभीर मामला है, इसमें नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे वो तो उन्हीं को देख। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जागरूकता होनी चाहिए। हर माँ बाप समझाते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से जो भी मौतें हुई हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें, इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी है, इसके बाद भी अगर कोई शराब पीने जाता है तो सरकार को बताकर नहीं जाता है। बिहार में यूपी और हरियाणा से शराब सप्लाई होती है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। कुल मिलाकर तेजस्वी ने बीजेपी पर ही बिहार में शराब सप्लाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जानकारी दी है कि मैं कोलकाता जा रहा हूं, वित्त मंत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। ईस्ट जोन के सभी सीएम की मीटिंग भारत सरकार के द्वारा बुलाई गई है। इसके राज्यों से जुड़े हुए मामले हैं, जिन मामलों में कुछ उलझन है, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी।